तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माई फोल्ट टू नाम की इस मूवी के बारे में पिछली जो मूवी आई थी वो एमेज़न प्राइम द्वारा रिलीज़ की गई थी इंडिया के अंदर भी इसे हिंदी में रिलीज़ किया गया था और स्टोरी तो आप सभी को पता है कि कौन एक तरह से बहुत ही जबरदस्त थी और साथ ही साथ इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट कन्फर्म हमें देखने को मिलेगा जैसा कि आपने स्टोरी के एंड में देख लिया होगा और इसी के बाद इसके मेकर्स ने इस पर काम करना चालू कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हम इसी के दूसरे पार्ट के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन कर इसे ऑल पर सेट कर ले दोस्तों इसके बारे में आप जानना चालू करते हैं माय फॉल्ट स्पैनिश कुलपामिया एक 2023 स्पैनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो डोमिंगो गोंजालेज द्वारा निर्देशित है जो उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसमें निकोल वालेस और गैब्रियल गुएरा ने अभिनय किया है यह मर्सिडीज़ रॉन की इसी नाम की वॉटपैड कहानी पर आधारित है कथानक नूह अपनी माँ राफेला के साथ अपना शहर छोड़ देती है अपने प्रेमी डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को छोड़कर अपनी माँ के नए पति विलियम लिस्टर की हवेली में चली जाती है वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे जल्द ही एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं विलियम एक रात्रिभोज का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके डिनर के दौरान निक और नूह के बीच एक और झड़प शुरू हो जाती है नूह को ये भी पता चलता है कि निक एक सफिंग चैंपियन है कानून की पढ़ाई करता है और वो धूम्रपान भी करता है जिसके बारे में उसके पिता और राफ़ेला को पता नहीं है निक डिनर के बीच में ही काम के लिए निकल जाते हैं नूह कहती है कि वह भी जा रही है इसलिए विलियम और राफ़ेला ने निक से नूह को घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम उनके घर के रास्ते पर है जिसके लिए वे अनिच्छा से सहमत हैं निक और नूह के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसका अंत निक द्वारा नूह को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है बाद में नोआ को मारियो उठा लेता है और उसे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है पार्टी में नोआ को पता चला कि निक एक प्लेबॉय है जो कई लड़कियों के साथ घूमता रहता है वह जेना अपने प्रेमी लान और निक के दोस्त अन्ना से मिलती है नूह और जेना जल्द ही करीबी दोस्त बन गए पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टीपो नोआ को ड्रिंक पिलाकर उसे नशीला पदार्थ पिलाने की कोशिश करता है निक हस्तक्षेप करता है नूह को बचाता है और उसे घर ले जाता है नशे की हालत में ऊँगते समय नूह ने सपना देखा कि उसकी माँ पर किसी ने हमला किया है इस बीच निक नूह के फोन का उपयोग करके अपनी माँ को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ एक फिल्म देख रही है और उसने निक के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया है बाद में उसे पता चला कि निक भी रेसिंग में है नूह और जेना ठीक उसी समय दौड़ में शामिल होते हैं जब निक दौड़ शुरू करने वाला होता है हालांकि शुरुआत में निक का ध्यान भटक गया फिर भी निक शांत हो गया और उसने अपनी दौड़ जीत ली नूह ने जैना और लायन को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि वह रेसिंग के बारे में एक या दो बातें जानती है हालांकि वह कभी नहीं बताती कि वह इसे कैसे जानती है शेर भी अपनी दौड़ जीत जाता है नूह को डैन की अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेटी को चूमते हुए एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह लियोनार्डो को चूमती है और वह इसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है निक हस्तक्षेप करता है और उसे जाने के लिए कहता है चूंकि वह ऐसा करने पर अड़ी हुई है निक उसे चूमता है और उसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रुकने के लिए कहकर चला जाता है जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती नूह ने गलती से कार स्टार्ट कर दी और चूंकि कार शुरुआती लाइन में थी उसे अगले रेसर के साथ दौड़ लगानी पड़ी जो रोनी था भले ही रोनी ने धोखा दिया नूह उसे हराने में कामयाब रहा रोनी का कहना है कि निक ही वह व्यक्ति था जिसे दौड़ लगानी थी और उन्होंने धोखा दिया जिससे वह विजेता बन गया इसलिए निक को उसे पंद्रह हज़ार यूरो और उस पोर्शे का भुगतान करना होगा जिसे वह चला रहा था निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है निक ने नोटिस किया कि नूह असहज है जीना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चला देते हैं निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी समारोह से खुद को दूर रखता है उत्सव के बाद निक घर आता है और कॉम न रूम में नूह को जोश से चूमता है राफेला को पता चलता है कि नूह परेशान है और डैन को अपने घर ले आती है नोआ के मन में निक के लिए भावनाएं आने लगती हैं और इसलिए वो डैन को दूर रखती है निक रोनी के साथ एक और लड़ाई में समाप्त होता है और घायल होकर घर आता है नूह ने निक के घावों की देखभाल की और वे फिर से चुंबन करते हैं निक नूह जेना लान मारियो और अन्ना डेट पर जाते हैं जो एक फाइट क्लब में समाप्त होता है जहां निक लड़ रहा है निक और नूह का ब्रेकअप हो गया क्योंकि नूह अपने जीवन में हुई सभी हिंसा से डरती है नूह को किसी ऐसे व्यक्ति से नोट्स मिलते रहते हैं जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है नूह गलती से इसे डैन समझ लेती है लेकिन वास्तव में यह उसका अलग पिता जोनास है जिसके बारे में उसने कहा था कि वह मर चुका है जोनास एक रेसर था और इसी वजह से नोआ रेसिंग के बारे में इतना कुछ जानता है जोनास बदला लेने के लिए राफ़ेला और नूह को पकड़ने के लिए अपने जेल साथी रोनी का इस्तेमाल कर रहा था विलियम को इसके बारे में पता चलता है और वो निक को नूह पर नजर रखने के लिए कहता है निक नोआ को कोठरी में बंद करने के बाद अन्ना से बचाता है और उसे घर ले जाता है विलियम को निक और नूह के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चलता है निक की मां की ओर से एक और सौतेली बहन मैगी भी है निक और नोआ ने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला किया क्योंकि उनके माता पिता इसे स्वीकार नहीं करेंगे हालांकि वे केवल समुद्र तट पर ही सेक्स करते हैं बाद में जोनास के आदेश पर रोनी द्वारा नूह का अपहरण कर लिया जाता है विलियम और राफेला को नोट से पता चलता है कि इसके पीछे जोनास का हाथ है जोनास ने राफेला को फोन किया और एक यूरो मिलियन नकद मांगा विलियम और राफेला पुलिस के साथ बातचीत के लिए जाते हैं निक अंदर आता है और अपने पोश में बीमा ट्रैकर का उपयोग करके ठिकाने का स्थान ढूंढता है जोनास को इसके बारे में पता चलता है और नूह द्वारा पोर्शे चलाने के साथ कार का पीछा शुरू हो जाता है जहां जोनास ने उसे बंधक बना रखा था निक अपनी कार में एक इंस्पेक्टर के साथ उनका पीछा करता है पीछा इंस्पेक्टर द्वारा जोनास को मारने के साथ समाप्त होता है निक और नूह एक साथ रिश्ता शुरू करते हैं और राफेला को ये पता चलने पर वो विलियम से इसे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कहती है कास्ट करें नूह के रूप में निकोल वालेस एक निक के रूप में गैब्रियल ग्वेरा एक राफाइला के रूप में मार्ता हाथसर दो विलियम लिस्टर के रूप में इवान सांचेस तीन जीना के रूप में ईवा रूइस दो शेर के रूप में विक्टर वरोना दो रोनी के रूप में फ्रैन बैरंगुएर तीन जोनास के रूप में इवान मासगुए एक उत्पादन ये फिल्म मर्सिडीज रॉन की वॉटपैड कहानी कुल्पा मिया पर आधारित है जिसे बाद में पैंगोइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक त्रय में विस्तारित किया गया चार यह एक पोकिप्सी फिल्म्स, एलेक्स डेला इग्लेसिया और कैरोलिना बैंग प्रोडक्शन है पांच कोस्टा डेल सोल में शूटिंग स्थानों में टोरेमोलिनोस मनीलवा और माबेला शामिल थे छ रिलीज फिल्म 8 जून 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर शुरू हुई साथ अमेज़न प्राइम वीडियो के अनुसार फिल्म ने कथित तौर पर सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेज़ी स्थानीय मूल के लिए सबसे अच्छी शुरुआती तीन दिवसीय दर्शक संख्या हासिल की आठ स्वागत डेली एक्सप्रेस के लुकास हिलपॉल ने फिल्म को पांच में से दो स्टार रेटिंग दी ये देखते हुए कि यह प्राइम वीडियो का अब तक का सबसे बेकार उद्यम हो सकता है लेकिन ये कम से कम एक आत्म जागरूक पलक और दो पसंद करने योग्य लीड के साथ आता है नाइन डेसीडर कॉम के जॉन सेबा ने माय फॉल्ट की नकारात्मक समीक्षा करते हुए इसे एक नरिशंस फिल्म माना जिसके पात्र अन्यथा बेवकूफ़ और अल्पविकसित थे दस अगली कड़ी प्राइम वीडियो एस्पाना ने 26 जुलाई 2023 को घोषणा की कि वे कल्पेबल्स त्रय में मर्सिडीज रॉन की अंतिम दो पुस्तकों तुया और कुल्पा नास्त्रा पर आधारित दो और फिल्में भी बनाएंगे जो क्रमशः योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट में अनुवाद करती हैं वालेस और ग्वेरा दोनों निक और नूह के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराएंगे 11 11-12 ये पुष्टि की गई कि तुया और कुल्पा नास्त्रा दोनों को एक साथ फिल्माया जाएगा और दोनों सीक्वल के लिए मुख्य उत्पादन आधिकारिक तौर पर अगस्त दो के अंत में शुरू हुआ कैरोलिना बैंग हेरेरा जन्म 21 सितंबर उन्नीस एक स्पैनिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं उन्हें 2010 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था करियर कैरोलिना बैंग का जन्म 21 सितंबर उन्नीस को सांता क्रूज डे टेनरिफ में एक नॉर्वेजियन मां और एक स्पैनिश पिता के परिवार में हुआ था एक बच्चे के रूप में उनका परिवार मैरिज चला गया जहां उन्होंने पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में तकनीकी वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की साथ ही साथ फिल्म संस्थान में अभिनय का अध्ययन भी किया एक मनोरंजन के क्षेत्र में उनके शुरुआती प्रयास थिएटर कंपनी प्रोएक्टो कथारिस के सदस्य के रूप में थे जहां वह छह साल तक रहीं और लॉस एक्स्टा के कार्यक्रम एल इंटरमीडियो पर एक टीवी होस्ट के रूप में 2008 में उन्होंने श्रृंखला प्लूटन बीआरबी नीरो में लोना की भूमिका निभाते हुए अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ टेलीविजन अभिनय की ओर कदम बढ़ाया दो 2010 में उन्हें द लास्ट सिकस में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के गोया पुरस्कार के लिए नामांकन मिला 2011 में वो टेलीसिंको श्रृंखला द लैंड ऑफ वर्ल्ड्स के कलाकारों में शामिल हुईं 2013 में बैंक ने एलेक्स डे इग्लेसिया द्वारा निर्देशित फिल्म विचिंग एंड बिचिंग में अभिनय किया एक साल बाद वो एंटना तीन श्रृंखला वेल्वेट और फिल्म नेस्ट में दिखाई दी 2016 में विक्टर रोज श्रृंखला के दूसरे सीजन में भाग लिया और 2017 में वह एडुआर्डो कैसानोवा द्वारा निर्देशित फिल्म स्किन्स के कलाकारों का हिस्सा थीं और प्लेस श्रृंखला डोरियन में अभिनय किया जो एक अभिनेत्री के रूप में उनके आखिरी कामों में से एक थी तीन कैरोलिना बैंक का सबसे प्रतिष्ठित पहलू एक फिल्म निर्माता के रूप में है फीचर फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला में 20 से अधिक क्रेडिट के साथ उनमें से अधिकांश की उत्पत्ति उनकी अपनी कंपनी पोकिप्सी फिल्म से हुई जिसकी स्थापना 2014 में उनके पति फिल्म निर्देशक और निर्माता एलेक्स डे ला इग्लेसिया के साथ हुई थी उन्होंने हाल के स्पेनिश सिनेमा में उल्लेखनीय शीर्षकों का निर्माण किया है जिसमें आमतौर पर हॉरर, कॉमेडी थ्रिलर और फिल्म नोअर शैलियां शामिल हैं सबसे प्रमुख फिल्मों में लॉस हीरोज माल, अरेमेंट्री परफेक्ट स्ट्रेंजर्स फोर जय क्राउड श्रूज़, नेस्ट, सत्तर बिगोन्स और साथ ही एचबीओ मैक्स सीरीज तीस कॉइन्स शामिल हैं एचबीओ मैक्स के लिए कैरोलिना बैंग ने हेडलेस चिकन्स के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया जो कुलीन फुटबॉल की दुनिया पर आधारित एक कॉमेडी श्रृंखला थी इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म त्रई माई फॉल्ट की सफल पहली किस्त का निर्माण किया जो दुनिया भर में प्राइम वीडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेज़ी भाषा की फिल्म बन गई चार कैरोलिना बैंग हास्य कलाकार इवाहैचे की पहली निर्देशित फ़िल्म अनमालडिया लोटियन क्यूल्क्वरा की निर्माता भी हैं 2020 में ये घोषणा की गई थी कि पोकीप्सी फिल्म्स ने द फियर कलेक्शन एस फाइव बनाने के लिए सोनी पिक्चर्स और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ साझेदारी की है जो दुनिया भर में वितरण के साथ पूर्ण लंबाई वाली हॉरर फिल्मों का एक लेबल है द फियर कलेक्शन की पहली दो फिल्में वेनिस्फेनिया थीं जो एलेक्स इग्लेसिया द्वारा निर्देशित और अप्रैल 2022 में रिलीज हुई थी और जैम बाल्गोएरो द्वारा वीनस थी तीसरा अनातेमा तो जिमीना सबाडूतों द्वारा 2024 में रिलीज के लिए निर्धारित है उसी वर्ष एक नौ बानवे शीर्षक से नेटफ्लिक्स के लिए पोकिप्सी फिल्म्स श्रृंखला लॉन्च की जाएगी हाल ही में उन्हें टेनारिफ में इस्ला कैलावेरा उत्सव में ऐसा वेंचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार छः मिला एक पुरस्कार जो उन कैनरियन लोगों के प्रक्षेप पथ को पहचानने का प्रयास करता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा को द्वीप समूह से शैली की सीमाओं तक ले लिया है फिल्मोग्राफ़ी अभिनय भूमिकाएं, वर्ष अंग्रेज़ी शीर्षक स्पैनिश शीर्षक प्रारूप भूमिका टिप्पणियाँ 2007 हज़ार सात मैरिड मास्को मैरिड मॉस्को लघु फिल्म लड़की 2008 मुझे बताओ कि मैं तुम भी ठीक हो लघु फिल्म पूर्व प्रेमिका कहानीकार एल फोर्जाडो डी हिस्टोरियास लघु फिल्म देखभाल करना प्लूटो बीआरबी बी नीरो प्लूटेन बीआरबी नीरो टीवी श्रृंखला लोरना दो हजार आठ शून्य नौ दो हजार नौ पाको के आदमी लॉस होम्ब्रेस डी पाको टीवी श्रृंखला माया अजकारते एक एपिसोड सफल पेल्स लॉस एक्सिटोसोस पेल्स टीवी श्रृंखला मरीना फर्नांडीज 2010 द लास्ट सकस बलाडा ट्रिस्टेडी डी ट्रॉम्पेटा पतली परत नतालिया नामांकित सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार दो शून्य एक एक शून्य तीन छ शून्य तीन छह लघु फिल्म सुजाना रासपुतिन का खंजर ला दगा डे रासपुतिन पतली परत लुडमिला एडा एडा टीवी श्रृंखला स्वयं एक एपिसोड भेड़ियों की भूमि टियरा डे लोबोस टीवी श्रृंखला इनेस 2011 14 जैसा किस्मत चाहेगी ला चिस्पा दे ला विदा पतली परत पिल 2012 पास्कल का दाव ला अपुएस्टा डे पास्कल लघु फिल्म एस्टेफानिया 2013 जादू टोना और जादू टोना लास ब्रुजेस डे जुग्रामोर्डी पतली परत ईवा 2014 मार्ग परिवर्तन कैम्बियो डे रूटा पतली परत जूलिया छछुंदर का घोंसला मुसराना पतली परत एलिसा अज्ञात तारीखें सिएगा और सिटास टीवी श्रृंखला कोवाडोंगा मखमली मखमली टीवी श्रृंखला वेरोनिका लागो एक एपिसोड दो के लिए मेनू क्या एक ला पतली परत बैलें दो हज़ार वही त्वचा ला मिसमा पाइल लघु फिल्म महिला मेरी बड़ी रात मुझे बहुत अच्छा लगा पतली परत क्रिस्टीना 2016 कल और कल आय और मनाना लघु फिल्म महिला भविष्य वह नहीं है जो एक समय था एल हा नो ए लो य्यू एरा पतली परत लुईसा वेब थेरेपी वेब थेरेपी टीवी श्रृंखला इसाबेल वलेरो विक्टर रोस विक्टर रोस टीवी श्रृंखला मैडम डी सुबेरविक 2017 खाल पाइल्स पतली परत मनोचिकित्सक निरे अजेन्बी पर्फेक्टोस डिस्कोनोसिडोस पतली परत डोरियन डोरियन टीवी श्रृंखला डोरियन सात दो शून्य एक सात एक आठ निर्माता एनो शीर्षक शीर्षक निदेशक नोट्स 2014 हज़ार चौदह छछुंदर का घोंसला मुसराना जुआनफा एंड्रेस और एस्टेबन रोयल पतली परत 2015 हजार पंद्रह लॉस हीरोज डेलमाल लॉस हीरोज डेलमाल जो बेरियाटुआ पतली परत 2016 कल और कल आय और मनाना रोड्रिगो रूइस गैलाडोन लघु फिल्म 2017 हजार सत्रह खाल पाइल्स एडुआर्डो कैसानोवा पतली परत बार एल बार एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत अरेमेंट्री अरेमेंट्री पॉल उर्कीजो पतली परत निरे अजनबी परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत दो हज़ार अठारह एक दिन और भी बहुत कुछ एक दिन और भी बहुत कुछ एलेक्स इग्लेसिया लघु फिल्म एक लास एस्ट्रेलास एक लास एस्ट्रेलास जो बेरियाटुआ पतली परत सत्तर बड़े वाले सत्तर बिन कोल्डो सेरा पतली परत दो हज़ार उन्नीस कोनो क्या हो रहा है क्यों कोनो एस्टा पसांडो मार्ता जेनेस और रोजा माक्वेज दस्तावेज़ी 2022 वेनेशिया फ्रिनिया वेनेशियाफ्रिनिया फ्रिनिया एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत चाक रेखा जौला इग्नसियो टाटाए पतली परत लापियेटा लापियेदाद एडुआर्डो कैसानोवा पतली परत चार की भीड़ है एल क्वाटो पसाजेरो एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत शुक्र शुक्र जैमे बाल्गुएरो पतली परत 2023 मेरी गलती कुल्पा मिया डोमिंगो गोंजालेस पतली परत 2024 किसी का भी दिन खराब होता है एक दिन पहले से ही बहुत कुछ ईवा अचे पतली परत एनाटेमा एनाटेमा जिमीना सबादु पतली परत उन्होंने द कलर ऑफ द क्लाउड्स उन्नीस में एक मां की भूमिका निभाई नाइन फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया नाइन उन्होंने फ़ाइंडिंग निमो की यूरोपीय स्पैनिश डबिंग में भी भाग लिया फिल्म और टेलीविजन में अपनी सफलता के बावजूद उन्होंने एक अभिनेत्री और एक निर्देशक के रूप में मंच नाटकों में भाग लेना जारी रखा है 2004 में उन्होंने काल्डरोन डेला बाका की एक किताब पर आधारित ला हिजा डेल एरे एयर की बेटी नामक अर्जेंटीना में एक नाटकीय परियोजना शुरू करने के लिए सात विदा छोड़ दी उन्होंने इस नाटक में अपने काम को फिल्म एल्सा वाइफ्रेड दो के साथ जोड़ा जिसमें वह एक ऐसी महिला की भूमिका निभाती हैं जिसे अपने बुजुर्ग पिता और उसके अर्जेंटीना पड़ोसी के बीच संबंधों पर संदेह होता है आठोरो पैरिस रेविटे की किताब पर आधारित 2005 की फिल्म अलाट्रिस्टे में दस उन्होंने एक पुरुष की भूमिका निभाई विशेष रूप से स्पेनिश जांच के एक सदस्य की इस भूमिका के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया अगले वर्ष पेड्रो अल्मोडोवर ने उन्हें अपनी 2006 की फिल्म वॉल्वर में कास्ट किया उन्होंने केंद्रीय परिवार की एक दोस्त अगस्टिना की भूमिका निभाई जो असाध्य रूप से बीमार है और अपनी लापता मां की तलाश कर रही है इसके बाद वह मिलोस फॉमैन की गोयाज घोस्ट्स में 18वीं सदी की परमा की पत्नी मारिया लुइसा की भूमिका में दिखाई दी और ग्रेसिया क्वेरिजिटा की फ़िल्म सेवन बिलियर टेबल्स में उन्हें पहली बार मुख्य भूमिका मिली यहां उन्होंने एक बिलियर्ड क्लब के मालिक के प्रेमी और सात सातविडास में उनके पूर्व सह कलाकार एम्पारो बारो की बेटी की भूमिका निभाई 2009 में वह फिर से पेड्रो अल्मोडोवर की फ़िल्म ब्रोकन एम्ब्रेसिस में जूडिट की भूमिका में नजर आईं हाल के वर्षों में उनके काम की स्पेनिश टेलीविजन पर वापसी हुई है जिसमें हॉस्पिटल सेंट्रल में एक भूमिका और थिएटर में निर्देशन की भूमिकाएं शामिल हैं 2011 की फिल्म एज लक विल इट में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी जिसमें सलमा हाइक ने अभिनय किया था 2001 हज़ार एक एलेजांद्रो एलेक्स डेला इग्लेसिया मेडोजा जन्म 4 दिसंबर उन्नीस एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक निर्माता और पूर्व हास्य पुस्तक कलाकार हैं डेला इग्लेसिया की फिल्में विचित्र और मौत और हत्या जैसे बहुत गहरे तत्वों को जोड़ती हैं उनके अधिकांश कार्यों को डार्क कॉमेडी माना जाता है लेकिन अक्सर उन्हें डरावनी और या नाटकीय तत्वों वाला भी माना जाता है द लास्ट सकस (2010) और एज लक विल हैव इट (2011) के उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर उनकी सभी फिल्में जॉर्ज ग्वेड के चवरिया के साथ मिलकर लिखी गई थीं जीवनी पढ़ाई और शुरुआती करियर ड्यूस्टो विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में डिग्री के साथ डेला इग्लेसिया ने नो एल फैंजीन माल्डिटो एक और मेटाक्रलाटो जैसी फैंजाइनों के साथ साथ ट्रोकोला बर्डिनजॉन और लारिया डेल ओसियो जैसी पत्रिकाओं में कॉमिक्स बनाना शुरू किया डेला इग्लेसिया हमेशा एक कॉमिक्स कलाकार के रूप में अपनी मुख्य प्रेरणा के रूप में एलेक्स रैमंड फ्लैश गॉर्डन के निर्माता और स्टेनली मावल कॉमिक्स के संस्थापक और स्पाइडरमैन और द हल्क के सहनिर्माता को स्वीकार करते हैं ये लगभग यही समय था उन्नीस और उन्नीस के बीच जब उन्होंने बिलबाओ में स्पेन के पहले रोल गेम क्लबों में से एक की स्थापना की लॉस पेलोटास फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत में डेल लाइग्लेसिया पाब्लो बज की लघु फिल्म मामा उन्नीस दो में कला निर्देशक थे और फिर एनरिक उर्बिजू की फ़ीचर टोडो पोला पास्ता एनीथिंग फॉर ब्रेड उन्नीस में कला निर्देशक थे डेला इग्लेसिया ने पहले ही एनरिक उर्बिजू और जोकिन ट्रिनकाडो के साथ मिलकर उनकी पहली फिल्म तू नोविया एस्टा लोका उन्नीस का पोस्टर डिजाइन किया था तीन एलेक्स डेला इग्लेसिया की पहली लघु फिल्म मिरिंडास असिसिनास उन्नीस सौ इक्यानवे फोरने पैद्रो का ध्यान आकर्षित किया जिनकी प्रोडक्शन कंपनी डेसियो ने डेला इग्लेसिया की पहली फीचर फिल्म एक्स्योन म्यूटेंट विज्ञान फाइ एक्शनर में सहयोग किया था उन्नीस सौ तिरानवे एलडिया डेला बेस्टिया डेला इग्लेसिया की अगली फिल्म उन्हें स्पेनिश सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण निर्देशकों में से एक के रूप में स्थापित करेगी एलडिया डे ला बेस्टिया उन्नीस जो तब से एलेक्स डेला इग्लेसिया की अधिकांश फिल्मों में सह पटकथा लेखक जॉर्ज गुएरी के चैवरिया के साथ लिखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द डे ऑफ द बीस्ट के नाम से रिलीज हुई इस फिल्म ने छह गोया पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी शामिल है इस कृति ने सैन्टियागो सेगुरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक में बदल दिया और आ अभिनेत्री टेरेले पावेस को वापस लाया जो 2017 में उनके निधन तक उनकी फिल्मों में नियमित रहीं मनमौजी निर्देशक इसके बाद डेला इग्लेसिया अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए प्रस्तुतियों का संयोजन कर रहे हैं जिनमें अन्य स्पेनिश सांस्कृतिक स्वाद के करीब हैं लेकिन सभी उनकी उत्कृष्ट बुद्धि अक्सर अंधेरे और कभी कभी विचित्र हास्य की भावना को प्रदर्शित करते हैं कई दिग्गज स्पैनिश अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने उनके निर्देशन में काम किया है कामेन मोरा से लेकर मारिया एस्करिनो तक साथ ही रोजी पेरेज, एलिजा वुड जॉन हट या सलमा हाइक जैसे कई हॉलीवुड सितारों ने भी उनके निर्देशन में काम किया है उन्होंने परदिता डुरांगो उन्नीस में जेवियर बाडेम रोजी पेरेस और जेम्स गंडोल्फिनी के प्रदर्शन का निर्देशन किया मोटोस डे रिसा में सेंटियागो सेगुरा और एल ग्रैंड व्योमिंग डाइंग ऑफ लाफ्टर उन्नीस सौ निन्यानवे ला कॉमुनेदाद में कामेन मोरा मैनुअल तेजादा और पाका गैबलन कॉमनवेल्थ दो हज़ार सांचो ग्रासिया एंजल डी एंड्रस लोपेज और यूसेबियो पोन्सेला आठ सौ बाला में आठ सौ बुलेट्स दो हजार दो क्रिमैन फेयरपेक्टो में गिल्मो टोलेडो तो मोनिका सेर्वेरा और किरा मेरो फेयरपैक्ट क्राइम दो हजार चार और एलिजावुड ली योनो वॉटलिंग और जॉन हट इन लॉस क्रिमिनेस डी ऑक्सफोर्ड द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स दो हजार सात बलाडा ट्रिस्टेड ए ट्रोम्पेटा उनकी फिल्म बलाडा ट्रिस्टे डे ट्रॉम्पेटा द लास्ट सकस 2010 को सड़सठवें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया अर्थात सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ओसेला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिल्वर लाइन इसे 2011 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित पन्द्रह गोया पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था इसे बेस्ट मेकअप और बेस्ट स्पेशल इफ़ेक्ट्स का अवार्ड मिला जब फिल्म अमेरिका में नाटकीय रूप से प्रदर्शित हुई तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लम की प्रशंसा की पांच बॉक्स ऑफिस हिट्स लास ब्रिजेस डी जुग्रामोडी और परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस 2011 में डेला इग्लेसिया ने जोस मोटा और सलमा हाइक अभिनीत लाचिस्पा डेला विदा एज लक विल हैव इट रिलीज की और इसकी शूटिंग तटीय स्पेनिश शहर काटाजिना में की गई 2013 हजार तेरह डी जुग्रामोडी विचिंग एंड बिचिंग का वर्ष था जो एलेक्स डे इग्लेसिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी जिसे दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया था उन्होंने 2012 के पतन में व्यापक कलाकारों के साथ इसकी शूटिंग शुरू की जिसमें कामेन मोरा मैकेना गोमेज ह्यूगो सिल्वा मारियो कैसास कैरोलिना बैंग टेरेले पावेज और पैपोन नीटो और सैंटियागो सेगुरा और कार्लोस एरेसस के कुछ कैमियो शामिल थे ये फिल्म 27 सितंबर 2013 को स्पेन में रिलीज हुई थी और 6 मिलियन यूरोज की कुल लागत के साथ 14 6 मिलियन यूरो की कमाई के साथ प्रासंगिक व्यावसायिक सफलता हासिल की 6 इसे 8 गोया से सम्मानित किया गया जिसमें अनुभवी अभिनेत्री टैरले पावेस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल था सात डीला इग्लेसिया ने इसके बाद एम आई ग्रैंड नोचे माई बिग नाइट 2015 से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जो एक सामूहिक फिल्म थी जिसने स्पेनिश गायक सुपरस्टार राफेल की 40 साल बाद सिनेमा में वापसी की राफेल एक विशाल कलाकारों का नेतृत्व करता है जिसमें मारियो कैसास पेपोन नीटो ब्लैंका सुआरेज, कालोस एरिस लुइस कैलेजो कामेन माची जैमे ऑडोनेस सैंटियागो सेगोरा एनरिक विलेन ह्यूगो सिल्वा कैरोलिना बैंग टैरले पावेज कामिन रुइस, माटा गोएरास एना शामिल हैं पोलवोरोसा टोनी अकोस्टा और लुइस फर्नांडीज सहित कई अन्य एमआई ग्रैंड नोचे इसके निर्देशक के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक और सफलता थी जिसने इसकी लागत से लगभग तीन गुना अधिक कमाई की आठ 2017 में एलेक्स डेला एग्लेसिया ने दो फिल्में रिलीज की एल बार, जिसमें उनके पहले से ही कई नियमित अभिनेता ब्लैंका सुआरेज मारियो कैसास कामेन माछी पैपोन नीटो टेरले पावेज थे और इतालवी फिल्म परफेटी स्कोनोस्यूटी का रीमेक जिसका शीर्षक था बेलेन रोएडा और एडुआर्डो नोरिएगा सहित अन्य प्रभावशाली कलाकारों के साथ स्पेनिश पफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पफेक्ट स्ट्रेजर्स पफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस निर्देशक की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस वापसी थी जिसमें लगभग 20 लियन यूरो की कमाई हुई थी नौ पोकीप्सी फिल्म्स का उदय 2009 में निर्माता कैरोलिना बैंग और एलेक्स डे इग्लेसिया ने प्रोडक्शन पावरहाउस पोकिप्सी फिल्म्स की स्थापना की बोल्ड साहसी और नवान्वेशी फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी को पोषित करने के लिए बनाई गई पोकिप्सी फिल्मों ने सफल फीचर फिल्मों की एक प्रभावशाली सूची तैयार की है जैसे पेपर हाउस के निर्देशक कोल्डो सेरा की सात शून्य बिन लाडेंस सत्तर बिग ओन्स एडुआर्डो कैसानोवा की बहुपुरस्कृत पाइल्स स्किन्स और पिएटा तेरह जनवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज एस्टेबन रोएल और जुआनफर एंड्रेस का मुसराना सा श्रूजनेस्ट जिसमें उत्कृष्ट मैकरिना गोमेज ने अभिनय किया एलेक्स डेला इग्लेसिया का एल बार इग्नासियो टाटा की द लाइन अक्टूबर 2022 में दो सप्ताह के लिए नेटफ्लिक्स में एन टू गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म जैम बाल्गोअरो की वीनस और हाल ही में एचपीओ की जबरदस्त हिट तीस मोनेडास तीस सिक्के सीजन एक और दो फरवरी 2021 में एलेक्स डेला इग्लेसिया ने अपने निर्देशन में एक नई फिल्म की शूटिंग की घोषणा की जिसका निर्माण मीडियासेट एस्पाना ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर किया है फिल्म का नाम एल क्वाटो पसाजेरो फोसे क्राउड है और इसमें ब्लैंका सुआरेज अनेस्टो अल्टेरियो अल्बर्टो सैन हुआन और रूबेन कोरिटाडा जैसे कलाकार हैं अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक के रूप में फोसे क्राउड के साथ एल क्वाटो पसाजेरो को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिटर्न के साथ अक्टूबर 2022 में स्पेन में रिलीज किया गया था भय संग्रह हाल के वर्षों में पोकिप्सी फिल्म्स ने द फियर कलेक्शन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ अपनी गतिविधियों का विस्तार किया दस पोकिप्सी फिल्म द्वारा सह निर्मित हॉरर फीचर फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए सोनी पिक्चर्स और अमेजन प्राइम के साथ साझेदारी की गई फिल्मों का निर्देशन कुछ उल्लेखनीय स्पैनिश फिल्म निर्माताओं जैसे जैम बालगोएरो पाउला ऑटेज और खुद एलेक्स डे लाइग्लेसिया सहित कई अन्य लोगों द्वारा किया जाएगा द फियर कलेक्शन की पहली फिल्म वेनेस्फ्रेनिया है जिसका निर्देशन डे ला लाइग्लेसिया ने किया है फ्रेनिया का वर्ल्ड प्रीमियर कैटिलोनिया के सिज्जिस इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे स्प्रिंग 2022 में रिलीज किया गया था ग्यारह इस संग्रह की दूसरी विशेषता वीनस है जो प्रतिष्ठित कैटलन हैमर जैम बालगुएरो द्वारा निर्देशित है वीनस का वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ एस्टर एक्सपोसिटो अभिनीत इसे 2 दिसंबर को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था 2022. टेलीविजन एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने एल ग्रान व्यूमिंग 12 टीवीई और इनोसेंट इनोसेंट क्षेत्रीय टेलीविजन के साथ एल प्योर प्रोग्राम डेला सेमाना जैसे टीवी शो के लिए स्केच का निर्देशन किया है साथ ही श्रृंखला प्लूटन बीआरबी नीरो 2008 के लिए भी ला दो टीवीई यह एंटोनियो गिल कैरोलिना बैंग और कालो कार्लोसैरेस सहित अन्य अभिनीत विज्ञान कथा श्रृंखला की एक पैरोडी है 2020 के वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी श्रृंखला 30 मोनेडास 30 सिक्के प्रस्तुत की जिसका प्रीमियर उसी वर्ष 29 नवंबर को एचबीओ स्पेन में हुआ ये श्रृंखला स्पेन के एक दूरदराज के गांव के निर्वासित ओझा मुक्केबाज और पूर्व अपराधी फादर वेरगारा की आपबीती बताती है दिसंबर 2021 में एचबीओ ने घोषणा की कि तीस मोन्डा स्पेन में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था तेरह फ़िल्म अकादमी की अध्यक्षता एलेक्स डी ला इग्लेसिया को संस्कृति मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद एंजल्स गोंजालेज सिंडे की जगह लेने के लिए 21 जून 2009 को स्पेन की सिनेमेटोग्राफ़िक आर्ट्स अकादमी का अध्यक्ष चुना गया था उन्होंने खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश किया था साथ में इसिया बोलेन और एमिलियो एपिना के साथ राष्ट्रीय उद्योग के प्रमुख के रूप में डेला इग्लेसिया का मुख्य लक्ष्य अकादमी में उन सभी कलाकारों को एक साथ वापस लाना था जो स्पेन छोड़ चुके हैं या संस्थान से दूर हैं इसके साथ उनका लक्ष्य पेद्रो अल्मोडोवर और उनके भाई अगस्टिन अल्मोडोवर पर था जिन्होंने 2005 में सार्वजनिक रूप से संस्था की मतदान प्रणाली से असहमत होकर संगठन छोड़ दिया था और जोस लुइस गासी भी जिन्होंने मतदान प्रक्रियाओं से संबंधित एक अन्य विवाद के कारण 1999 में अकादमी छोड़ दी थी बिलबाओ के फिल्म निर्माता भी पायरेसी के खिलाफ लड़ा ई के लिए प्रतिबद्ध थे उनके अपने शब्दों में वो उन लोगों का बचाव करना चाहते थे जो फिल्में बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं 14 फरवरी 2010 को डीला इग्लेसिया ने गोया पुरस्कार समारोह में फिल्म अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया ये याद करते हुए कि सभी क्षेत्रों के सह अस्तित्व की रक्षा करने वाले कानून बनाना आवश्यक था और इसमें फिल्म निर्माण भी शामिल है इस कारण से अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष ने 21 दिसंबर 2010 को कांग्रेस में खारिज होने के बाद सतत अर्थव्यवस्था कानून जिसे सिंधवट कानून के रूप में जाना जाता है के दूसरे अंतिम प्रावधान पर बहस में भाग लिया किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बजाय बौद्धिक संपदा आयोग के हस्तक्षेप के बाद कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने वाले इंटरनेट पेजों को बंद करने की संभावना आवर्ती सहयोगी एलेक्स इग्लेसिया की फिल्मों में आमतौर पर ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां होती हैं जिन पर वो पूरा भरोसा करता है और जिनके साथ उसने पहले काम किया है सबसे प्रमुख सैंटियागो सेगुर हैं जिन्हें उन्होंने एक फीचर फिल्म में अपनी पहली भूमिका की पेशकश की थी लेकिन मारियो कैसास और कार्लोस एरेसिस की भी अक्सर उपस्थिति रही है क्योंकि वे टैरले पावेज और एलेक्स एंगुलो की बहुत याद आती थी एंटोनियो डे एनरिक विलिन सेकुन्डे ला रोजा या मैनुअल टैलाफे भी उनकी फिल्मों में नियमित हैं अक्सर बहुत ठोस सह यक भूमिकाओं में जॉर्ज गुएरी के चेवरिया व्यवहारिक रूप से उनके सभी कार्यों में उनके सह पटकथा लेखक रहे हैं इनमें से कुछ कलाकार एलेक्स डी ला इग्लेसिया द्वारा निर्मित लेकिन निर्देशित नहीं की गई फ़िल्मों में भी दिखाई दिए हैं और मैकेना गोमेज के मामले में उन्हें आमतौर पर उनके द्वारा निर्मित फ़िल्मों में देखा गया है जिसमें सीजन एक और दो में गोमेज की तत्काल पंथ प्रमुख भूमिका भी शामिल है एचबीओ के तीस मोनेडा तीस सिक्के पुस्तकें उन्नीस सौ सत्तानवे में उन्होंने सैन ला लावाडोरा क्लाउन्स इन द वॉशिंग मशीन उपन्यास प्रकाशित किया 2014 में उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास रिक्वेडिम क्यूते ओडी रिमाइंड मी टू हेट यू प्रकाशित किया चौदह ट्वेंटी ट्वेंटी टू में नोमा संपादकीय ने आर्टे वाई एनसायो जारी किया जो एक ग्राफिक कलाकार के रूप में एलेक्स डेला इग्लेसिया के पहलू पर निबंधों का संकलन है पुरस्कारों और प्रशंसाओं का चयन गोया पुरस्कार गोया पुरस्कार वर्ष पुरस्कार शीर्षक परिणाम उन्नीस सर्वश्रेष्ठ उपन्यास निर्देशक एसियॉन उत्परिवर्ती मनोनीत उन्नीस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एलडिया डे बेस्टिया जीत गया सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा मनोनीत 2000 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ला कम्युनिडार्ड मनोनीत सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा मनोनीत 2008 सबसे अच्छी फिल्म लॉस क्रिमिनेस डी ऑक्सफोर्ड मनोनीत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा मनोनीत 2010 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बलाडा ट्रिस्टे डे ट्रॉम्पेटा मनोनीत सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा मनोनीत प्लैटिनो पुरस्कार वर्ष पुरस्कार शीर्षक परिणाम उन्नीस टीवी के लिए सर्वश्रेष्ठ रचना पटेरिया लंबित मेडालस डेल सकुलो डे एस्क्रिटोरिस सिनेमेटोग्राफिकोस सीसी पुरस्कार वर्ष पुरस्कार शीर्षक परिणाम उन्नीस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एल्डिया डेला बेस्टिया जीत गया नोक्टरना मैरिड इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल वर्ष पुरस्कार वर्ग परिणाम 2005 हज़ार मेस्ट्रो डेल फैंटास्टिको प्रक्षेपवक जीत गया निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बैरियो जन्म 22 मार्च 2002 एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्हें स्कैम के स्पेनिश रूपांतरण स्कैम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में और बेस्ट सेलिंग पर आधारित प्राइम वीडियो की मूल फिल्म माई फॉल्ट में नोआ के रूप में उनकी मुख्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है मर्सिडीज रॉन द्वारा वॉटपैद उपन्यास श्रृंखला प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बैरियो का जन्म और पालन पोषण मैरिड स्पेन में हुआ उसके पिता अमेरिकी हैं इस वजह से वालेस द्विभाषी है और स्पैनिश और अंग्रेजी दोनों धारा प्रवाह बोल सकता है एक वह वायोला और पियानो बजाना सीखते हुए बड़ी हुई और उन्होंने कम उम्र से ही गायन की शिक्षा ली वालिस ने आठ वर्षों से अधिक समय तक हिप हॉप, फंक और आधुनिक नृत्य का भी अभ्यास किया है दो उनकी एक बड़ी बहन क्लोए भी हैं जो एक निर्देशक लेखिका और फोटोग्राफर हैं जिन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीमित श्रृंखला ए परफेक्ट स्टोरी का निर्देशन किया है जिसमें अन्ना कैस्टिलो ने अभिनय किया है तीन एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर जारी रखते हुए वालेस एक विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मनोविज्ञान का अध्ययन भी करती हैं चार करियर अभिनय 2008-2017 वर्तमान वालेस ने अपनी शुरुआत लघु फिल्मों से की पहली बार 2008 की हॉरर शॉट एक्सेशन में ग्रे ज अनैटमी की प्रसिद्धि वाली अभिनेत्री टैसा फेरर के साथ एक छोटी भूमिका में दिखाई दी पांच उन्होंने लघु फिल्मों में काम करना जारी रखा कैंप फायर क्रिएटर्स द स्कल ऑफ सैम में विक्की के रूप में दिखाई दी जिसमें हॉरर फिल्म के दिग्गज रॉबर्ट एंग्लैंड के साथ अभिनय किया गया जो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फिल्म फ़्रेंचाइजी में फ्रेडी क्रुएगर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं एक 2018 में वालेस को नॉर्वेजियन किशोर श्रृंखला स्कैम पर आधारित मूवी स्टार जोड़ सीरीज़ स्कैम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में कास्ट किए जाने के बाद प्रसिद्धि मिली शो का तीसरा सीजन उनके किरदार नोरा और सेलिया मोनेडरो द्वारा निभाए गए वीरी के किरदार पर केंद्रित था नोरा और विरी के सीजन को विशेष रूप से फेस्टी वाल्डे विटोरिया की ओर से समानता के लिए सीमा टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि इसने युवा दर्शकों के लिए नारीवाद और सशक्तिकरण के विषयों को बढ़ावा दिया था नोरा के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका के बाद से वालेस को एस्मोडा ग्लैमर और वोग जैसे कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है सात आठ नौ उन्होंने इस सफलता को अन्य अभिनय भूमिकाओं में भी जारी रखा है टीवीई 2021 नाटक पैरोड 10 11 और 2023 प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माय फॉल्ट में नूह के रूप में अभिनय किया है जो वह अपने सौतेले भाई निक के साथ एक निषिद्ध रोमांस में फंस गई है जो खतरनाक सड़क रेसिंग दृश्य में शामिल है बारह निक का किरदार वालेस के स्कैम एस्पाना के सह कलाकार गैब्रियल ग्वेरा ने निभा है माय फॉल्ट मूल रूप से वॉटपैड पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है जिसे मर्सिडीज रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है तेरा अमेजन प्राइम वीडियो के अनुसार माय फॉल्ट ने जून 2023 में रिलीज होने के बाद सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेज़ी स्थानीय मूल फिल्म की शुरुआती तीन दिवसीय दर्शकों की संख्या सबसे अधिक हासिल की चौदह प्राइम वीडियो ने जुलाई में इसकी पुष्टि की 2023 में वे मर्सिडीज रॉन की त्रय योर फॉल्ट एंड अवर फॉल्ट में अंतिम दो पुस्तकों के आधार पर दो और फिल्मों का निर मान करेंगे जिससे पुष्टि होगी कि इन दो फिल्मों में नूह के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे पन्द्रह इस स्पैनिश नाम में पहला या पैतृक उपनाम ग्वेरा है और दूसरा या मातृकुल का नाम मौरेव है गैब्रियल ग्वेरा जन गैब्रियल ग्वेरा मॉरेव 6 फरवरी 2001, उम्र 22, एक मैरिड स्पेन शिक्षा इंस्टीट्यूटो लोप डी वेगा 2018, व्यवसायों, अभिनेता नमूना, सक्रिय वर्ष 2010-2012-2017 वर्तमान उल्लेखनीय कार्य स्कैम एस्पाना माई फॉल्ट चार्ट हिट गैब्रियल ग्वेरा मॉरिव जन्म 6 फरवरी 2001 हज़ार एक, एक स्पेनिश फ्रांसीसी अभिनेता और मॉडल हैं जिन्हें स्कैम एस्पाना में क्रिस्टियन क्रिस मिरालिस हारो के रूप में और फिल्म माई फॉल्ट में निक लिस्टर के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका के लिए जाना जाता है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा गैब्रियल ग्वेरा मोर्यू का जन्म और पालन पोषण मैरिड स्पेन में हुआ उनकी मां मार्लिन मोर्यू एक फ्रांसीसी वेडेट मॉडल अभिनेत्री और टेलीविजन प्रस्तोता और उनके पिता मिशेल ग्वेरा एक क्यूबा नर्तक ने किया दो वह स्पैनिश और फ्रेंच दोनों में द्विभाषी हैं और अंग्रेजी में कुशल हैं तीन अपने माता पिता की तरह वह भी कम उम्र में ही कलात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो गए थे उन्होंने विज्ञापन अभियानों और अतिरिक्त के रूप में छोटी अभिनय भूमिकाओं में भाग लिया साथ ही औपचारिक नृत्य प्रशिक्षण भी लिया तीन डॉट उन्होंने 2018 में इंस्टीट्यूटो लोप डी वेगा से बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की तीन करियर फिल्म और टेलीविज़न 2018 वर्तमान 2018 के अंत में ग्वेरा ने स्कैम एस्पाना के पहले सीजन में क्रिस्टियन मिरालेस हारो के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया जो एक नॉर्वेजियन किशोर नाटक श्रृंखला स्कैम, स्कैम का स्पैनिश रूपांतरण था जो किशोरों के दैनिक जीवन और उनके संघर्षों पर केंद्रित था वह सीजन एक और दो के बीच श्रृंखला के बारह एपिसोड में दिखाई दिए चार इसके बाद वह अमांडा कनेल की 2018 की फिल्म चार्टर में मैनुअल के रूप में और 2020 के सेनोरस डेल ए में क्रिस्टोफर के रूप में दिखाई दिए उसी वर्ष टेलीविजन श्रृंखला राइडर्स में सैमो के रूप में भी दिखाई दिए तीन बाद में चार्टर को तिरानवे अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फ़ीचर फ़िल्म के लिए स्वीडिश प्रविष्टि के रूप में चुना गया लेकिन वो शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाई पाँच ग्वेरा की अगली बड़ी भूमिका 2020 टीवी सीरीज हिट में आई जो एक अपरंपरागत शिक्षक के बारे में एक हाई स्कूल ड्रामा है जिसे संकटग्रस्त संस्थानों को बदलने का काम सौंपा गया है छह व दो सीजन के लिए मुख्य पात्र डारियो के रूप में दिखाई दिए 2022 में ग्वेरा ने पैरामाउंट जोड़ मूल श्रृंखला बोस में कोरियोग्राफर नाचो डुआटो के रूप में अतिथि भूमिका निभाई सात और प्राइम वीडियो फिल्म टुमोरो इज टुडे में युवा चाली के रूप में दिखाई दिए टुमारो इज टुडे इस मंच के लिए निर्मित पहली मूल स्पैनिश फिल्म थी आठ नेटफ्लिक्स सीरीज यू आर नॉट स्पेशल के लिए स्कैम एस्पाना के मुख्य लेखक एस्टिब्लिस बर्गलेटा के साथ असियर के रूप में पुनर्मिलन किया और उसी वर्ष एचपीओ मैक्स श्रृंखला हाउ टू स्क्रू एवरीथिंग अप में फ्रैंक के रूप में दिखाई दिए नाइन दस डॉट ग्वेरा की अब तक की सबसे बड़ी भूमिका 2023 प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माई फॉल्ट में निक लिस्टर के रूप में रही है जो खतरनाक स्ट्रीट ड्रेसिंग दृश्य में शामिल है और बाद में अपनी सौतेली बहन नूह के साथ एक अवैध रोमांस शुरू करता है जिसे उसके साथ ही स्कैम एस्पाना ने निभाया है स्टार निकोल वालेस 11 माई फॉल्ट मूल रूप से वॉटपैड पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है जिसे मर्सिडीज रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है 12 अमेजन प्राइम वीडियो के अनुसार माई फॉल्ट ने जून 2023 में रिलीज हो ने के बाद सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेज़ी स्थानीय मूल फिल्म की शुरुआती तीन दिवसीय दर्शकों की संख्या सबसे अधिक हासिल की तेरह इसके अलावा ग्वेरा की स्पेनिश टेलीविजन श्रृंखला रेड फ्लैग्स और एक लघु श्रृंखला नियोना ईएस में आगामी भूमिका है जो मिगुएल सैज कैरल ईएस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है जिसमें अल्बर्टो की भूमिका है नी नीऊना मास नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है जिसमें वह फिर से निकोल वालेस के साथ मिलेंगे जो मुख्य भूमिका में अल्बा के रूप में अभिनय करेंगी तीन एक चार एक पांच व अमेजन प्राइम वीडियो के लिए माई फॉल्ट के दो सीक्वल में निक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे जिसे योर फॉल्ट ऑ रा अवर फॉल्ट कहा जाएगा जो मर्सिडीज रॉन की कल्पेबल्स स्त्रय की अंतिम दो पुस्तकों पर आधारित हैं सोलह सत्रह आपकी गलती और हमारी गलती का संवर्ती उत्पादन 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ 18. स्टेज 2010 वर्तमान अपने टेलीविज़न और फिल्मी करियर के अलावा ग्वेरा ओपेरा और थिएटर प्रस्तुतियों में सक्रिय रहे हैं पहली बार 2010 में रॉयल थिएटर ओपेरा प्रोडक्शन टोस्का में दिखाई दिए इसके बाद वह फ्रांस में 2012 थिएटर प्रोडक्शन रॉबिन प्रोडक्शन रॉबिनहुड और क्रोल रोजर ओपेरा में दिखाई दिए 2018 में तीन गैब्रियल ने इटली में अपने पिता के साथ 2017 ओपेरा एल एलिक्सर डी अमोरे में भी काम किया 19 कानूनी मुद्दे ग्वेरा को फ्रांस में हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अंतर्राष्ट्रीय वारंट पर 2 सितंबर 2023 को इटली के वेनिस में गिरफ्तार किया गया था उन्हें फ़िल्मिंग इटली से सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता का पुरस्कार मिलने वाला था जिसे उनकी गिरफ्तारी के बाद रद्द कर दिया गया था 23 सितंबर 2023 को ग्वेरा के अभिनय प्रतिनिधित्व ब्रॉसन टैलेंट मैनेजमेंट ने जनता के लिए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया ये फ़्रांस में एक पुरानी प्रक्रिया है जब गैब्रियल नाबालिग था और स्पेन में इसे पहले ही हल कर लिया गया है सभी बरी होने वालों के साथ उनका पक्ष हमें उम्मीद है कि एक बार अवधारण त्रुटि जिसे हम अनियमित मानते हैं सत्यापित हो जाने के बाद उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा 21 ग्वेरा के वकील पेद्रो फर्नांडीज गोंजालेज ने इस बयान पर अमल करते हुए कहा कि जिस मामले में उन पर आरोप लगाया गया और फिर बरी कर दिया गया वह तब हुआ जब ग्वेरा तेरह साल का था और शिकायतकर्ता उसका चचेरा भाई था जो उस पर गुस्सा हो गया था मामले की सुनवाई सोमवार 4 सितंबर को निर्धारित की गई थी और बाद में उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था उनकी रिहाई की शर्त ये थी कि मामले का समाधान होने तक वो वेनिस नहीं छोड़ सकते थे 22 तेईस 15 सितंबर 2023 को विनिशियन कोर्ट ऑफ अपील्स ने ग्वेरा के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण अनुरोध को शून्य घोषित कर दिया और उन्हें मैरिड में घर लौटने की अनुमति दी गई चौबीस माई फॉल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी के पीछे स्ट्रीमिंग सेवा प्राइम वीडियो ने भी पुष्टि की कि वे अपने वकीलों के अनुसार मामले की अपनी स्वतंत्र जांच कर रहे हैं 22. ग्वेरा ने तब से कल्पेबल्स श्रृंखला की आखिरी दो फिल्मों का फिल्मांकन पूरा करने का काम फिर से शुरू कर दिया है फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ दो हजार अठारह 2022 कल आज है युवा चाली 2023 मेरी गलती निकलिस्ट लिस्टर 2024 आपकी गलती टीबीए हमारी गलती टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ दो शून्य एक आठ दो शून्य एक नौ स्कैम एस्पाना क्रिस्टियन क्रिस मिरालेस हारो आवर्ती भूमिका बारह एपिसोड सीजन एक दो 2020 सेनोरस डेल एच क्रिस्टोफर अतिथि भूमिका दो एपिसोड सवार सामू 2020-2021 मार डेरियो कारवाजल एग्वेरे मुख्य भूमिका ग्यारह एपिसोड सीजन एक दो 2022 आप विशेष नहीं हैं ऐसिया मुख्य भूमिका छह एपिसोड बोस नाचो डुआटो अतिथि भूमिका एक एपिसोड सब कुछ खराब कैसे करें फ्रान मुख्य भूमिका छह एपिसोड 2023 रेड फ्लैग जॉर्ज आवर्ती भूमिका आठ एपिसोड एक और बात अल्बर्टो लघु श्रृंखला स्टेज वर्ष शीर्षक स्थान स्थान टिप्पणियां 2010 टोस्का टीट्रो रियल रॉयल थिएटर मैरिड स्पेन ओपेरा 2012 हज़ार बारह रॉबिनहुड फ्रांस थिएटर 2017 El Elixir di Amore Macarata, Italy Opera. 2018 Kroll Roja Opera Adriana Sofia Ugata Pardal, born the 17th of January 1985, is a Spanish actress. Once she is known for her leading roles on television series La Senora and El Tiempo entre costuras. Ugata landed a starring role in the 2016 Pedro Almodóvar film Julieta biography adriana sofia ugata pardal was born in madrid on the 17th of january 1985 to the daughter of yolanda pardal lawyer and writer three she is the grandniece of eduardo ugata who was a collaborator of luis benuel and who was married to a daughter of carlos Anishas. four she studied at the colegio del pilar in madrid 2. She enrolled into a licentiate degree of philosophy and arts at the Complutense University of Madrid, which she temporarily shelved, part chair and later resumed at the National University of Distance Education, UNED. 7. Ugata, age 16, debuted in the short film Mala Espina, 2001, directed by Belén Marcias. 5. And won the award to the Best Female Performance at the Alcala de Henares Festival of Short Films for her role performing a schizophrenic teenage girl. 8. She was given guest roles in TV series such as Policias, NL Corazon de la Cal, Hospital Central, and El Quesario. 9. She was nominated to the Goya Award for Best New Actress for her role as Consuelo in the 2006 film Doghead, directed by Santi Amodio. Thus, Ugata's leading performance as Victoria Márquez de la Viga in the television series La Señora, aired from 2008 to 2010, earned her great popularity. Eleven this same year, she made an appearance in The Hanged Man, with Clara Lago and Alvaro Cervantes. She then starred in Paper Castles, 2009, along with Nilo Murr and Bill Duran, and in Lo Contrario al Amor, 2010, alongside Hugo Silva. She also featured in the miniseries *Stolen Children* (Telecinco), in which she plays Susana. In 2013, two years after shooting was finalized, *El Tiempo Entre Costuras* premiered, the series based on the novel of the same name by writer María Duenas. starring Ugata as Saïra. It achieved breaking viewing figures in Antenna 3 by the closure of the series. Bara, filmography, television. Series Role Channel Year Notes Policias, NL Corazon de la Cal Olga Antena 3, 2002 Supporting Role, 2 Episodes. El Secreto del Hero Olivia TV, 2003 Television Film. El Cesario Herself, Telecinco, 2006 Supporting Role, 1 Episode. Mesa para Julia La Sexta, 2006 Supporting Role, 7 Episodes. Hospital Central Adriana, Narea, Dr. Natalia of the Hoyo Telecinco 2002 2011 Supporting Role, 8 episodes. La Senora Victoria Marquez of the Vega TV 2008, 2010 Main Character, 36 episodes. Stolen Children Susana Guzman Telecinco 2013 Television Film. El Tiempo Entre Costuras Saira Quiroga, Arish Agoriuk Antenna 3, 2013, 2014 Main Character, 17 episodes. Habitaciones Cerradas Teresa Brasas TV 2015 Television Film. La Sonrisa de las Mariposas Mariana Solas de Paramo Antenna 3 2016 Main Character. Episodes Hache Helena Netflix 2019 Main Character, 14 episodes. Tribes of Europa Alia Netflix 2021 Supporting Role, 1 episode. Pero Isabel Moura Amazon Prime Video 2021 13 Main Character. Heridas Manuela Leon Escudero Actress Player Premium 2022 Main Character, 13 episodes. Film. Key. Denotes films that have not yet been released. Year title Role Notes Ref. 2006 Cabeza de Perro, Doghead, Consuelo. 2007 Kente de Mala Calidad S. Eva el patio de mi castle my prison yard alejandra 2009 el juego de la Jocado, the hanged man olga castillos de cartoon paper castles maria jose 2011 lo Major de eva dark impulse mata lo contrario al Amor, the opposite of love mars 14 2013 combustion Ari. kente and Sitos, people in places pandra 2015 Tiempo sin es vero. Palmeiras and Lanive Palm Trees in the Snow, Clarence. 2016 Julieta Julieta. 2017 El Sistema Sola in S. Taddeo Jones 2, El Sacreto del Rey Maida, Stephanie Voice. 2018 Amoyux de Ma Fr, The Other Woman, Emma. Durante la tormenta, Mirage, Vera Roy. Do लोबो फिरोज मटिल्डा सिक्सटीन सत्रह टीबीएल साइलेंसियो डेमा ट्रेमा लुसिया अठारह मारिया बेलेन रोएडा गाजिया पोरेरो जन्म 16 मार्च 1965 एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं वह ग्लोबो मीडिया निर्मित टेलीविजन श्रृंखला पीरियोडिस्ट उन्नीस 2002 और विशेष रूप से लॉस सैरानो 2003 हजार मैं अपने प्रदर्शन के लिए स्पेन में लोकप्रिय हो गई इसी तरह उन्होंने हॉरर और सस्पेंस कार्यों में अपने प्रदर्शन के लिए हॉरर प्रशंसकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है एक जीवनी मारिया बेलेन रोयडा गाजियापोरेरो का जन्म 16 मार्च 1965 को मैरिड में हुआ था दो उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां एक बैले प्रशिक्षक थीं वह तीन बच्चों में से दूसरी है उसके भाई बहनों का नाम मारिया जेसुएस और अल्फ़ोंसो हैं जब वह बच्ची थी तब वह और उसका परिवार सैन हुआन अलिकांटे चले गए जब रोएडा अठारह वर्ष की थी तो वह वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए मैरिज चली गई करिय जब वह एक छात्रा थी तो उसने अपना टेलीविजन डेब्यू नाइट शो वीआईपी नोचे में एक प्रबंधक के रूप में किया जिसे मूल रूप से जोस लुइस मोरिनो तो ने होस्ट किया था अंततः एमिलियो अरागोन के साथ सहमेज़बान बन गई तीन जबकि उन्हें पहले से ही सीरीज पीरियोडिस्ट के लिए फोटोग्राफर क्लारा नडाल के रूप में चुना गया था उन्हें एक छुट्टी को कवर करने के लिए एक प्रकार की आपातकालीन कास्टिंग के रूप में लोकप्रिय ड्रामेडी मेडिको डे फैमिलिया ग्लोबोमीडिया द्वारा निर्मित में क्लारा नडाल के उसी चरित्र को संक्षेप में निभाने के लिए बुलाया गया था अनुपस्थिति पर चार और इस तरह बाद में उन्नीस में एक टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में उनकी शुरुआत हुई और दोनों काल्पनिक कथाएं एक ही काल्पनिक ब्रह्मांड में जुड़ गईं पाँच छ चार इसके बाद उन होने उन्नीस से 2002 तक पीरियड तक पीरियोडिस्टास में क्लारा नडाल का किरदार निभाया पाँच 2003 से शुरू होकर छह सीजन और 107 एपिसोड के दौरान रोयडा ने लोकप्रिय श्रृंखला लॉस सेरानो में लूसिया गोमेज की भूमिका निभाई कथित तौर पर अपने स्टेज करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2007 में श्रृंखला छोड़ दी सात उन्होंने 2004 की फिल्म द सी इनसाइड में प्रदर्शन के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की चार जिसके लिए उन्होंने गोया पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए एक्टर्स यूनियन अवार्ड जीता आठ नौ दो की फिल्म द ऑर्फनेज में उनकी भूमिका के लिए उन्हें एक और गोया नामांकन मिला दस रोएडा ने स्पेनिश थ्रिलर जूलियाज आइज़ में मुख्य भूमिका निभाई ग्यारह जिसका निर्माण गुइलर्मो टोरो ने किया था बारह उन्होंने ओरियोल पाउलो की थ्रिलर द बॉडी में भी अभिनय किया तेरह फिल्मोग्राफी शीर्षक वर्ष भूमिका टिप्पणियां संदर्भ लॉस सेरानो 2003 लूसिया गोमेज टीवी श्रृंखला 2003 हज़ार तीन शून्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बार्सिलोना फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फैंटास्पोटो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के लिए फोटोग्रामस डी प्लाटा नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटर्न पुरस्कार शरीर 2012 हज़ार बारह माइका विलावर्डे एल कुएपो लूना एल मिस्ट्रियो डी कैलेंडा 2012 हज़ार बारह सारा क्रूज टीवी श्रृंखला 2012 हज़ार बारह ट्वेंटी थर्टीन चौदह सातवीं मंजिल 2013 हजार तेरह डेलिया सेप्टिमो इसमाइल दो हज़ार तेरह ऑबिटर नाइन दो हज़ार सत्रह सिल्विया स्पेनिश शीर्षक ऑबिटा नौ निरे अजनबी ईवा सारा की नोटबुक 2018 हजार अठारह लॉरा अलोसो स्पेनिश शीर्षक एल क्यूडनो डी सारा तुम्हें नींद नहीं आएगी अल्मा बोहम स्पैनिश शीर्षक नो डोमरेज ट्विन मर्डर द साइलेंस ऑफ द वाइट सिटी 2019 हजार उन्नीस अल्बा डियाज डी सालवाटेरा स्पेनिश शीर्षक एल सिलेंसियो डे ला स्यूदाद ब्लैंका मैड्रेस अमोर वाई विदा दो हजार बीस मैरियन बैलेस्ट्रोस टीवी श्रृंखला 2020-15, फेनोमेनास 2023 सागरियो सोलह सत्रह ला अमिटा चैपल 2023 हजार तेईस तराना तो दोस्तों ये जो मूवी है हमें तकरीबन दो हज़ार चौबीस के एंड में देखने को मिलेगी और हम सभी को पता है इसे सीधा अब ओ टी टी पर उतारा जाएगा इसके जो फर्स्ट राइट है फर्स्ट मूवी के राइट्स है वो एमेज़ोन प्राइम के पास है तो दूसरा जो पार्ट आएगा वो भी हमें इस पर देखने को मिलेगा बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन दबा कर इसे पर सेट कर ले दोस्तों अब इसके बारे में सारी कुछ डिटेल तो मैंने आपको बता ही दी है आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में